the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again namaskar dosto dr paramjeet aap dekh doctor education health aur healthcare आपने सुना होगा चाइना में अब प्लेग फैल रहा है प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग भाई चाइना में कुछ ना कुछ नया आता रहता है और हमारी जिम्मेदारी है हम आपको अवगत कराएं कि बीमारी ये क्या है नहीं वो क्या है आपके पास आ सकती है नहीं आ सकती है क्या है क्या नहीं तो प्लेग के बारे में समझते हैं प्लेग वायरस नहीं है ये प्लेग एक बैक्टेरियल इन्फेक्शन है जो कि ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था बहुत जोरदार बीमारी पहले भी अभी आई थी अभी भी आ रही है तो बैक्सिवियर बैक्टीरियल इंफेक्शन जिससे कि जान जा सकती है और इसका जो कारण है उसके बैक्टीरिया का नाम है यसरनिया पेस्टिस ये रोडेंट यानी यानी रैट चूहों से फैलता है चूहों कैरी करते हैं और ये बाकी इट कैन बी स्प्रेड बाय फ्लीज मक्खियों से फैल सकता है फ्लीज से लोगों को अगर ये प्लेग हो रहा है तो कैसे होगा या तो वो मक्खियों ने उनको काटा बिटन बाय द फ्लीज जो कि जो मक्खी ये बैक्टीरिया कैरी कर रही है किससे कैरी करेगी मक्खी के पास कहां से आएगा इन्फेक्टेड रैट से इंफेक्टेड रोडेंट से कैरी करके फिर अगर मक्खी कैरी कर रही है आपको काट रही है तो आएगा बहुत रेयर होता है लेकिन एक इंसान जो एक इंफेक्टेड जानवर रैट को हैंडल कर रहा है उसको भी इंफेक्शन हो सकता ये प्लेग तीन प्रकार के होते हैं अगर ये प्लेग यासरिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपके लंग में जाता है तो उसको न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं न्यूमोनिया जैसा न्यूमोनिक यहां पर ये अगर न्यूमोनिक प्लेग आपको होता है तो ये फिर आप फैला सकते हो पर्सन टू पर्सन खांसी करके टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके बैक्टीरिया हवा में घूमते हैं और जो आसपास होगा जिसने ब्रीद कर लिया वो टाइनी बैक्टीरिया इस तरह से एपिडेमिक फैल सकता है न्यूमोनिक प्लेग का ऐसा ही मिडिल ईस्ट यूरोप में एक मैसिव प्लेग का एपिडेमिक हुआ था जिससे मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई थी लेकिन प्लेग जो है ये वहां खत्म हो गया लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुआ है ये अभी भी एशिया अफ्रीका साउथ अमेरिका में पाया जा आज के डेट में आ, कई कंट्रीज में प्लेग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है लेकिन कई जगहों पे है तो एक प्लेग हो गया न्यूमोनिक प्लेग लेकिन अब जो

तो ये तीन प्रकार के प्लेग हैं बिमिक न्यूमोनिक सेप्टीसी में टाइम बहुत मैटर करता है बिटवीन इंफेक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि है इसका दो से आठ दिन मगर टाइम एक दिन का भी हो सकता है अगर ये फेफड़ों में लंग में न्यूमोनिक प्लेग होता है याद रखिए इसके रिस्क फैक्टर क्या है अगर आपको फ्ली बाइट हुआ है रिसेंट या फिर अगर आप एक्सपोजर है आपका किसी रोडेंट से चूहों से तो हो सकता है ऐसे रोडेंट्स में चूहे कुछ रैबिट स्क्विरल कुछ तरीके के डॉग्स uh, और ऐसे कोई भी डोमेस्टिक कैट हो गई इस तरह के अगर उसके कोई स्क्रैचेस कोई ऐसी कोई चीजें आई हैं कोई बाइट आया है ऐसी तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है अगर आप में से किसी को वैसे तो नहीं होगा ये फिलहाल चाइना में है चाइना में कोई देख रहा है अगर उनको किसी को प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है तो वो एकदम से पैदा हो सडन अपियर होता है सिम्टम्स का दो से पांच दिन के अंदर एक्सपोजर पे आएगा क्या बुखार आएगा ठंड लगेगी फीवर विथ चिल्स जनरल मैलेज वीकनेस हेड मसल पेन और दौरे पड़ सकते हैं सीजर आ सकते हैं जी हां इस तरीके के प्लेग में दौरे पड़ सकते हैं और लिम्फ नोड बड़े बड़े हो जाएंगे जिसको हम ब्यूबो ब्यूबो ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं बड़े बड़े स्मूथ पेनफुल लिम्फ नोड आ जाएंगे जो कि कॉमनली पाए जाते हैं नीचे ग्रोइन में आपके अंडरवेयर एरिया में बट इट कैन ऑकर इन योर आर्म पेट्स एंड नेक ऑल्सो किसी भी साइड में इन्फेक्शन साइड में जहां इन्फेक्शन वहां ज्यादा पाए जा सकते हैं और ये सिम्टम्स के होने से स्वेलिंग आएगा पहले पेन स्टार्ट होगा फिर पेन और पेन uh, पहले आ सकता है फिर स्वेलिंग आएगा न्यूमोनिक प्लेग जो है उसके भी सिम्टम्स अलग होंगे वहां पर ये नहीं आएगा ये नोड वहां पर सीधा खांसी सिवियर कफ एक से चार दिन के अंदर अंदर आपके एक्सपोजर से काटने के खांसी बहुत जोरदार सांस फूलने लगेगा बुखार और फीवर विथ चिल्स हेड बॉडी पेन और ब्लडी फ्रोथी स्पूटम आ सकता है खून आ सकता है आपके स्पूटम के अंदर याद रखिए और अगर ये इंफेक्शन ब्लड में फैल गया जिसको कहते हैं सेप्टीसीमिक प्लेग तो डेथ हो सकती है ये बहुत सीवियर सिवियर कंडीशन है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम आएगा डायरिया फीवर नौसिया वॉमिटिंग पेट में दर्द खूंखार बहुत ज़्यादा खूंखार बीमारी है ये ब्लैक डेथ बोलते थे इसको और अगर ये अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो आपके ब्लड के कल्चर किए जाते हैं लिम्फ नोड से अगर लिम्फ नोड वाला है तो लिम्फ नोड से सुई डाल के उसमें से पानी निकाल के कल्चर किया जाता है बलगम का कल्चर किया जाता है छाती का एक्सरे किया जाता है ढूंढा जाता है इस बैक्टीरिया को मिलने पर ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट जो है इसका तुरंत के तुरंत होना चाहिए अगर 24 घंटे जिस दिन आपको सिम्टम आए उसके 24 घंटे के अंदर इलाज ना हुआ तो मरने के चांसेस बढ़ जाए 24 घंटे के अंदर पहला सिम्टम आने पे इलाज होना चाहिए एंटीबायोटिक्स देने बहुत जरूरी है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन सिप्रोफ्लोक्साइसिन ये दो ये चार एंटीबायोटिक्स है जो यूज किए जाते हैं प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, उनको अपने घर के अदर लोगों से दूर रखा जाता है क्योंकि वो फैला सकते जिनको कॉन्टैक्ट हो गया उनको वॉच किया जाएगा क्वारंटाइन किया जाएगा अलग से रखा जाएगा प्रिवेंटिव मेजर दिए जाएंगे और एंटीबायोटिक भी दिया जाना जाना पड़ेगा बिना ट्रीटमेंट के भैया पचास परसेंट लोग मरेंगे मरेंगे ब्यूबोनिक 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 प्लेग 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 से राइट और जिस पचास परसेंट मरेंगे और सेप्टीसीमिक और न्यूमोनिक प्लेग से हर आदमी मर जाएगा अगर जिसको भी होगा न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टीसीमिक प्लेग अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ट्रीटमेंट से डेथ रेट पचास परसेंट कम हो सकता है और 24 घंटे में ट्रीटमेंट मिल जाए तो और कम हो सकता है याद रखिए बहुत खतरनाक बीमारी है इसलिए इसकी जानकारी आपको देनी जरूरी डराने की बात नहीं अभी फिलहाल ये चाइना तक सीमित है मगर चाइना से प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना से आदमी आते हैं तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है चाइना का बहिष्कार हो चुका है तो उस पर टिके रहें चाइना से वार्तालाप करनी कर लो आसपास में चीज़ें और इंसान पार्सल नहीं होने चाहिए चाइना से ये बहुत खतरनाक बीमारियां आ रही हैं प्रिवेंशन के लिए आप अपने घर में रैट कंट्रोल एनिमल कंट्रोल करिए और रोडेंट अगर है कोई भी तो उसके हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए अगर कोई जानवर है घर में तो उसके भी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और इसकी वैसे तो एक वैक्सीन भी थी मगर ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं की जा रही है लेकिन अगर ये कहीं फैलता है तो शायद इसकी वैक्सीन फिर पिक्चर में आए फिलहाल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसीलिए ये वीडियो आपको बनाया गया है कि भाई इस प्रकार की बीमारियां चाइना से आ रही है तो चाइना में चक्कर मारने का ना सोचें अगर सोच रहे हैं और चाइना से जितने रिलेशनशिप्स हैं आपके दूरी रखिए ज़्यादा बेहतर रहेगा टिकटॉक चला गया कोई बात नहीं जो चला गया उसको जाने दें जो है उसको 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 संजो के रखिए अपने 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 काम धंधों पे ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए ये बैक्टीरिया को भैया आपके इम्यूनिटी भी नहीं मार सकती यह बैक्टीरिया बहुत जोरदार है बहुत मुश्किल है इससे बचना अगर ये लंग्स में चला गया ऑलमोस्ट एवरी वन विल हु गेट्स इट इन द लंग्स राइट लंग्स में या ब्लड में फैल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है यासरनिया पेस्टिस बहुत जोरदार बीमारी है ये याद रखिए नाम है इसका ब्लैक डेथ काली मौत छोटी बात नहीं है काली मौत के बारे में आप डा अपना पुराने पास्ट uh, में जाके पढ़ सकते हैं प्लेग और ब्लैक डेथ सो दिस इज ऑल अबाउट इट अगर वीडियो समझ आई पसंद आई देखिए शेयर करना लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है हमारा काम है आपको जागरूक करना डराना नहीं है डर रहे हो तो भाई साहब देखो सच्चाई कड़वी होती है डरो मत सतर्क रहो ठीक है तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी बाय बाय